अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डियर टेंथ क्लास स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, एक थ्योरम प्रूव की थी हमने, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, सपोज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, व्हेन वी कैन से दैट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। लेकिन जो थ्योरम थी वी हैव प्रूव दैट सपोज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, और हमने प्रूव किया था एरिया रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ, द रेशियोज ऑफ द एरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर टू सिमिलर ट्राइंगल्स, देयरफॉर वी कैन से दैट ए रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड दैट इज डी, वी कैन राइट ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, डी स्क्वायर। सिमिलरली ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एफ स्क्वायर, ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एफ स्क्वायर। Similarly, BC square divided by EF square. Now, आज जो हमारे पास जो क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन इज लेट ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ योर एक्सरसाइज 6.4, इट इज गिवन दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ एंड देयर एरियाज आर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 124। और इसका जो एरिया है दैट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो डी ई एफ ट्राइंगल है इसका एरिया जो है दैट इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। If EF is equal to 15.4, EF is equal to 15.4, find BC. We have to find the length of BC side. Now, dear students, it is given that these two triangles are similar. When two triangles are similar, we have proved that their ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of their corresponding sides. Solution, mein hum likh sakte hain solution. Area, since these two triangles are similar, triangle area of triangle ABC divided by area of triangle DEF, DEF is equal to square of their corresponding sides. So we can write ABC ka jo corresponding BC divided by EF, EF whole square. Because these two triangles are similar, according to the theorem, we can say that the ratio of these two similar triangles is equal to the square of their corresponding sides. BC का जो corresponding side that is EF, और उनका मैंने square लिया। It is given in the question, area of ABC is equal to 64. So we can write 64 centimeter square divided by area of DEF is equal to 15.4. It is 15.4. Sorry, it is 121 centimeter square is equal area of triangle 64, area of triangle DEF 121, BC square, BC divided by EF, EF iska jo dimension hai, that is iski jo length hai, that is 15.4 whole square. To square ko hum transpose bhi kar sakte hain, we can write it as 64 upon 121 is equal to BC divided by 15.4. So 60 perfect square, 64 is a perfect square of 8. We can write it as 8 divided by 11, because 64 is a perfect square of 8 and 121 is the perfect square of 11 is equal to BC upon 15.4. Now by cross multiplying we get BC into 11, BC into 11, BC 11 is equal to 15.4 into 8,
15.4 into 8. Now BC is equal to 15.4 into 8 divided by 11. After calculation we get BC is equal to 11.2. इनको मल्टीपल करने के बाद 11 से डिवाइड करेंगे वी गेट 11.2 सेंटीमीटर. देयरफॉर BC इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर.